Hey guys, welcome back to my channel, The Art Bird. I am Ria here. जैसा कि मैंने मेरी लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था कि मैं इसका सेकेंड पार्ट लेकर आऊँगी डॉट मंडाला पैटर्न का. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने अगर मेरा फर्स्ट पार्ट जो डॉट मंडाला का है वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप वो एक बार देख लेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा ये सारे डिज़ाइन को समझने में. और जो मैं बीच बीच में आपको टिप्स बताया था मैंने उसमें वीडियो में, तो वो भी आपको पता रहेगा, तो आप उसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा. अगर आप अपना डॉट आर्ट को इम्प्रूव करना चाहते हो, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न क्रिएट करना चाहते हो, वो भी विदाउट टूल, तो ये वीडियो आप लोग के लिए. प्लीज़ आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ आप बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आए. तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि मैं विदाउट टूल का यूज़ कर रही हूँ. यहाँ पे मैं ईयरबड, टूथपिक, पैन, पेंसिल इन्हीं का यूज़ करूँगी. और यहाँ पे मैंने ईयरबड को टूल में कन्वर्ट करना नहीं बताया है, तो उसके लिए आप मेरा फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा. वहाँ पे मैंने सब बताया कि विदाउट टूल से अगर बनाते हैं तो किस साइज़ का डॉट क्रिएट करते हैं, कैसे पैटर्न क्रिएट करते हैं. तो पहले आपको वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको ये सारे सब डिज़ाइन समझने में बहुत प्रॉब्लम जाएगी और फिर आप बोलेंगे कि मुझे समझ में नहीं आया. तो इसलिए वैसे ये वीडियो बहुत लंबा हो गया था, इसलिए मैंने इसमें आपको डिटेल में नहीं बता पाऊँगी, तो इसलिए आपको मेरा फर्स्ट पार्ट देखना होगा. अब मैं यहाँ पे मैंने ब्रश की हेल्प से डॉट क्रिएट करा था, फिर टूथपिक की हेल्प से मैं ये डिक्रीजिंग पैटर्न क्रिएट कर रही हूँ. आप मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए और बीच बीच में मुझे जो टिप्स देनी होंगी वो मैं दूंगी, और आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा. मैंने इस वीडियो में सब कुछ इंक्लूड करा है जो भी डिज़ाइंस मैं क्रिएट करती हूँ अपने डॉट मंडल में, ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें और आप लोग का डॉट मंडल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए और बहुत ब्यूटीफुल आप विदाउट टूल ये सब बना लें. आपको इसमें कोई भी टूल की नीड ना पड़े, जो कि बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो. तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप देखिए. ये सारे पैटर्न क्रिएट करने में सबसे ज़्यादा वर्क टूथपिक का होता है. टूथपिक से मैं अलग अलग डिज़ाइन क्रिएट करूँगी, डिक्रीजिंग पैटर्न क्रिएट करूँगी. जैसा कि मैं अभी टूथपिक से ही ये डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ, तो आप मुझे देखते जाइए और मुझे फॉलो करते जाइए. यहाँ पर मैं ईयरबड की हेल्प से डॉट क्रिएट कर रही हूँ. ये ईयरबड मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ था कि कैसे टूल में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको वो प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है. इसलिए आप डायरेक्टली टूथपिक का यूज़ ना करें, पहले से टूल में कन्वर्ट करना बिल्कुल मत भूलें. और टूल में कन्वर्ट करना मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है. यहाँ पर मैं टूथपिक की हेल्प से ड्रैग करके
Bye.